हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता सिंह आपका प्लांट एंड सीड गार्डनिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत अच्छे पौधे को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये है सिंगोनियम और मेरे इस पॉट में लगाया हुआ था और करीब ये 10 साल पुराना है और ये रूट बाउंड हो गई थी इसकी। तो देखिए कितना ज़्यादा ये बाउंड हो गई हैं इसकी रूट्स। तो मुझे लगा कि मैं इसको रिपोर्ट कर दूं। मैंने ये अपना प्रिपरेशन किया था कि इसी पॉट में कर दूंगी, लेकिन ये मेरा पुराना है तो फट गया है प्लास्टिक का। तो इसमें मैंने नीचे मिट्टी और ऊपर किचन वेस्ट डाला है, फिर मिट्टी डाली है। तो मैं इसको दूसरी बकेट में डालती हूँ। मेरे पास ये बकेट रखी थी तो मैंने इसी में होल करके ड्रेनेज और इसी को ही एज ए पॉट में यूज़ कर रही हूँ। देखिए किचन वेस्ट है, नीचे मिट्टी है, फिर किचन वेस्ट है, फिर उसके बाद हम ये थोड़ा है और क्योंकि लगता बहुत ज़्यादा है लेकिन ये डिकम्पोज होने के बाद बहुत कम हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ी सी और मेरे पास रखा हुआ है किचन वेस्ट, मैं रखती रहती हूँ तो इसमें डाल देती हूँ। और इसमें फिर हम मिट्टी भर देंगे अच्छे से और ये इसको अच्छे से हमें दबाना है, नीचे प्रेस कर देना है मिट्टी को, जिससे कि ये डिकम्पोज होने के बाद बहुत अंदर को धंसता है। जैसे मकान की नींव धंसती है ना मिट्टी में, उसी तरह ये भी धंसता है। तो इसको भी खूब दबाना पड़ता है अच्छे से, जिससे कि बाद में नीचे ना जाए। इससे अच्छा है कि हम पहले ही इसको खूब अच्छे से प्रेस कर दें। और इसमें मैं अब इसको रिपोर्ट करूँगी। ये सिंगोनियम मेरा बहुत पुराना भी है, रूट बाउंड भी हो गई थी और बहुत लंबा हो गया था। ये एकदम बेल की तरह चलता है, ये भी मनी प्लांट की तरह, लेकिन थोड़ा सा मोटी होती है इसकी स्टेम। तो मुझे लगा कि मैं इसे बुशी बनाऊँ, बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे देखते हुए इसको। तो मैंने आज ये इस तरह से मैं इसको बुशी करूँगी इस प्लांट को। अब मैं इसे मिट्टी भर देती हूँ और बहुत अच्छे से मैंने इसको दबा दिया है, मिट्टी भर दी है। तो फ्रेंड जितने भी पोलिटेंट सिटीज़ हैं, अब मैं जितने नाम क्या लें, अभी देखिए ये एरियल रूट निकलती है, जैसे मनी प्लांट से निकलती है, सब इसके हर जॉइंट से एरियल रूट निकलती है। तो जितने भी पोलिटेंट सिटी हैं उसमें अगर हम पौधे बनाएं, लगाएं, फिर पेड़ लगाएं तो नेचुरली पोल्यूशन कम होगा। अब हम पेड़ पौधे नहीं लगा पाएँ, आप इतना ना कर पाएँ, एटलीस्ट अपने घर के लिए तो हम कर ही सकते हैं। और ये एयर प्योरीफायर है हमारा इंडोर प्लांट सिंगोनियम, तो हम इसको लगा के, और भी कई प्लांट हैं जो मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं इंडोर प्लांट के, जो कि एयर प्योरीफायर है, उसी की सीरीज में ये भी है। और ये बहुत अच्छे एयर प्योरीफाई करने का जरिया है हवा को। तो हम क्यों ना ये पौधे भी लगाएं और खूबसूरती बढ़ाएं, साथ में अपनी घर की और वातावरण को अच्छा करें और घर की जो हवा है उसको शुद्ध भी करें। तो देखिए फ्रेंड कितना ये बुशी बुशी लगेगा, तो अच्छा लगेगा। तो ये पौधा जो है नासा की एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट की लिस्ट में ये भी शामिल था, सिंगोनियम है इसका नाम। तो इसको हम अपने घर आंगन में लगा सकते हैं, जगह दे सकते हैं, अपने घर की वायु को शुद्ध कर सकते हैं। ये हमारे जो घर के अंदर गैसेस पैदा होती हैं, बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं, उन सबको ये दूर करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्चुअली, और प्योरीफाई करता है हमारे अपने घर को। तो ये सिंगोनियम मनी प्लांट फैमिली का ही है, उसी तरह इसमें एरियल रूट्स आती है, उसी तरह इसकी पानी और सॉइल लाइट की नीड है। अच्छे से मैं इसको धो देती हूँ जिससे कि ये साफ़ सुथरा रहे। और इसके बाद मैं इसको 15 दिन के लिए छाया में रख दूँगी और पानी नहीं दूँगी, क्योंकि खूब जम के पानी दे दिया है। हाँ, जैसे आजकल गर्मी आपको लगे कि टॉप सॉइल इसकी सूख गई है, मॉइस्चर नहीं है नीचे, तो आप पानी दीजिएगा, अदरवाइज इसमें पानी मत दीजिएगा। और 15 दिन के बाद धीरे धीरे इसको हल्की आप इनडायरेक्ट लाइट दे सकते हैं। ये मैंने नारियल पानी हम पीते हैं उसके ही कवर में लगाया है ये, इसको करीब मैंने अक्टूबर में लगाया था, तो 6-7 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए हैं इसको। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसकी कई वेराइटीज़ आती हैं, एक छोटी है, बड़ी है, लाइट येलो टाइप है और डार्क ग्रीन है, तो इस कई वेराइटीज़ में ये आते हैं। और बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। देखिए इसको कुछ भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एरियल रूट्स जो आती हैं उसको लगा दीजिए और उसी को मैंने पानी में डाल दिया था, रूट सही थी। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, 6-7 महीने हो गए हैं इसको भी, और बस पानी बदलते रहिए आप, 4-5 दिन में इसका पानी बदलते रहिए और कुछ भी फर्टिलाइज़र डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सॉइल में लगाते हैं तो इसको जैसे साल में 1-2 बार फरवरी में और
अक्टूबर में कभी एक दो मुट्ठी काउडंग या किचन वेस्ट मैन्योर दे दीजिए, मैं तो किचन वेस्ट का मैन्योर ही डाल देती हूँ, तो ये बहुत खुश रहता है। और जब मिट्टी में लगाए तो बहुत पानी ना दें, सौगी हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन होता है कि पानी में तो कैसे नहीं मरता है, लेकिन पानी में जब मिट्टी होगी तो ये सौगी हो जाएगा, तो ये मर जाएगा। अब केवल पानी होता है तो हम उसको चेंज करते रहते हैं, उसमें एरेशन भी रहता है, खुला रहता है, तो वो मरता नहीं है। तो इस तरह से इसकी केयर होती है। तो पानी इसमें कम डालिए मिट्टी में, और लाइट इसको इनडायरेक्ट दीजिए। इंडोर प्लांट है, अंदर रखिए, बहुत खुश होगा, सालों साल चलेगा। और इसकी बहुत ज़्यादा, देखिए ये कितना सुंदर छोटा प्लांट है, ये छोटा प्लांट मीन्स छोटा सिंगोनियम है, ये वैरायटी अलग है इसकी, और बहुत छोटे से केटल में लगा हुआ है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में रख के अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो इसको सॉइल में लगाइए, पानी कम दीजिए, वाटर केवल पानी में लगाइए, हैंगिंग बास्केट बनाइए और इनडायरेक्ट सनलाइट में दीजिए। ये बहुत छोटा, उससे भी छोटा ये एरो हेड सिंगोनियम है, बहुत छोटा है ये, 5 मुश्किल से 4 इंच चौड़ाई है इसके पत्तों की। ये थोड़ा बड़ा वाला है, ग्रीन है। तो ये कई वैरायटीज इसकी आती हैं, इसको मॉस स्टिक में भी लगा के, जिस तरह मनी प्लांट लगाते हैं उस तरह इसको लगाया जाता है। तो बहुत ये जो है सुंदर लगता है। और ये देखिए, ये नया मेरे घर की वॉल है, नया बोनसाई ऐड हुआ है, मेरी फ्रेंड का है, उन्होंने दिया था और उन्हीं को वापस देना है ठीक करके। और ये मेरा हैंगिंग वॉल में, इसको भी 6-7 महीने हो गए हैं, और देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसकी एरियल रूट्स ही हैं, देखिए एरियल रूट है ये, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप मनी प्लांट में देखते हैं ना, ऐसे ही इसकी एरियल रूट निकलती हैं। इसको ही कट करके आप मिट्टी में लगा दीजिए, पानी में लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, एयर प्योरीफाई करता है, देखने में खूबसूरत होता है, ग्रीनरी रहती है रूम के अंदर तो अच्छा लगता है। ये मैंने हैंगिंग बास्केट थी एक, तो बास्केट में लगा दिया है। कोई भी वेस्ट हो जाए, टूट जाए, तो उसमें लगा दीजिए कुछ भी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये भी। इस तरह इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफायर है, तो फ्रेंड अपने घर में इसको ज़रूर जगह दीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।